इन दिनों वह शौच मुक्त के दावे मंडी जिला मुख्यालय पर हवा हवाई हो रहे हैं। कारण यहां के स्कूल बाजार के इकलौते शौचालय को तोड़ा जाना। नया शौचालय बनाने से पहले ही इसे तोड़ दिया गया, जिस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर परिषद आचार संहिता हटने के बाद शौचालय निर्माण की बात कह रही है। मंडी शहर के व्यस्तम बाजारों में से एक है स्कूल बाजार। तारना जाना हो जेल रोड, पैलेस कॉलोनी या फिर क्षेत्रीय अस्पताल, सभी को स्कूल बाजार से होकर ही जाना पड़ता है। इस बाजार में नगर परिषद का एक शौचालय हुआ करता था, जिसे सड़क चौड़ा करने के नाम पर तोड़ दिया गया। सड़क चौड़ा करने और शहर के सौंदर्यकरण के काम का सभी शहरवासी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस शौचालय की सबसे अधिक जरूरत थी, उसके बदले नया शौचालय बनाने से पहले ही पुराना शौचालय तोड़ दिया गया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इंदिरा मार्केट से लेकर क्षेत्रीय अस्पताल तक कोई भी शौचालय नहीं है। अस्पताल जाने वाले सैकड़ों लोगों को शौचालय न होने के कारण भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल बाजार के दुकानदारों और अन्य लोगों ने प्रशासन व नगर परिषद से नया शौचालय जल्द से जल्द बनाने की गुहार लगाई है। मतलब बस स्टैंड से लेके यहाँ हॉस्पिटल, जेल रोड, तारना रोड तक एक सिंगल टॉयलेट था। इनको हमने पहले बोला भी, इसको तोड़ने से पहले आप इसको पहले बना दो, कि सबसे बड़ी समस्या है हमारे ये मंडी शहर में कि जब भी लोग बाहर से भी आते हैं, हम दुकानदार हैं यहाँ, कम से कम 80-90 दुकानदार हैं जो मेन रोड पे बैठे हुए हैं, वो बताइए आप टॉयलेट कहाँ जाएंगे। इसको अगर शहर को इतना सुंदर बनाना है, क्या वो सड़क पे खड़े होकर पेशाब करेंगे? सर, जो टॉयलेट था उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हमें तो ये यहाँ के जो हम लोग दुकानदार हैं और जो बाहर से भी आ रहे हैं लोग मंडी शहर में आते हैं, और सारे लोगों को पता था कि यहाँ पर टॉयलेट है, तो लोग इमरजेंसी में उसका यूज करते थे। पर अब प्रशासन को, इतने दिनों से टॉयलेट को तोड़ा गया है, तो प्रशासन कोई ऐसी चिंता कोई नहीं है पब्लिक के बारे में कि वहां में आम दुकानदारों को प्रॉब्लम जो टॉयलेट कहाँ करें। अब हमारे घर भी यहाँ से दूर है, हम क्या अपने घर जाएंगे रोज रोज टॉयलेट करने? यहाँ से जाएंगे घर तो घर के लिए 20 रूपए, हम एक बार टिकट के खरीदने 20 रूपए, 4 रूपए का हमें एक टॉयलेट करना पड़ता है। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्कूल बाजार का शौचालय अब टारना रोड पर बनाया जाएगा। टारना रोड पर जगह का चयन करके लोक निर्माण विभाग को सूचित कर दिया गया है। उर्वशी वालिया के अनुसार आचार संहिता हटने के बाद शौचालय निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। स्कूल बाजार में टॉयलेट हटा दिया गया है, वो नगर परिषद के रेजोल्यूशन के बाद जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा हटाया गया, और पीडब्ल्यूडी को द्वारा आदेश दे दिए गए हैं कि वो नया टॉयलेट जो है वो सेकंड हाउस रोड पे, इनको स्थान भी बता दिया गया, वहां पे बनाया जाएगा। तो शीघ्र इसका जो काम शुरू हो जाएगा, इलेक्शंस के आपके जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसका ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शहर के भीड़भाड़ भरे इलाके में शौचालय की सुविधा न होने से वह शौच मुक्त के दावों की सच्चाई का भी पता चल रहा है। एक तरफ लोगों को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शौचालयों की कमी लोगों को खुले में जाने के लिए विवश कर रही है।